हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। आज का ब्लॉग में आप सबका बहुत स्वागत है। आज है सैटरडे, आज है 16th of December, मंथ का मिडिल डेट है और 15 दिन के बाद ये मंथ भी खत्म हो जाएगा और साल भी खत्म हो जाएगा। नया साल सबके लिए बहुत अच्छा हो, यही विश करती हूँ। और आज सैटरडे में बहुत सारा काम है मुझे, तो अभी तो फिलहाल मेरा जो घर का जो बासी काम होता है वो हो गया है। अभी मैं ब्लैक टी बनाई हूँ, तो ब्लैक टी पीऊंगी। ब्लैक टी पी के ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट में आज होगा पराठा एंड बैंगन फ्राई। तो 1 किलो साइज का बैंगन लेके आए हस्बैंड, तो उसका आज चॉप होगा, चॉपिंग करेंगे उसका और फाइनली वो कट होगा और उसका फ्राई बनाएंगे पराठे के साथ। तो ब्रेकफास्ट बना के बेटा को, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देके मैं जाऊंगी शॉर देने। शॉर लेके उसको पूजा करके मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। अब उसके बाद तो लंच वगैरह है, सारा दिन का जो घर का काम रहता है वो सब तो रहेगा। और उसके साथ साथ आज मुझे बनाना है 20 लोगों का खाना। तो 20 लोगों का मुझे डिनर बनाना है। क्यों बनाना है, कहाँ जाना है, सब कुछ आपको मिलेगा देखने को ब्लॉग में। तो बने रहिए ब्लॉग में। आई होप कि आज का ब्लॉग आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते रहिए। पापा गुड मॉर्निंग। पापा बोलो, से गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय हाय, बोलो। देखे देखे लुक, देखे बेटा, बोलो हाय, बोलो हाय। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तुम्हारे केक हो गया छे? यस। कौन केक बनी छो, की केक बनी छो, कौन सा केक बनाए हो? ओह नो सर, की आई फाइन नो। ओ बेटा को ना, तो उसको केक मेकिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ सामान ले लेता है अपना खिलौना का, तो उसी में वो सारे कुछ जस्ट ऐसे प्ले करता है, केक बनाता है, चॉकलेट केक, रेनबो केक, सारे कलर्स बॉल्स को लेके आता है रेनबो केक। तो मेरे से स्पून लिया है। हाँ बेटा, तो ये सब करता भी बहुत ज़्यादा उसको शौक चढ़ा है रेनबो केक का। और टीवी में भी देखता है ना केक मेकिंग, बच्चा का दिखाता है, बच्चे लोगों का, तो उसी के लिए उसको अभी थोड़ा सा क्रेज क्रेविंग हुआ है केक खाने का भी और केक बनाने का भी। तो अभी वो केक बनाया सुबह में उठ के, उसका जो मॉर्निंग का जो फ्रेशन अप है वो हो गया है, केक बनाया है। और अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने। वो जो कपड़ा है ना उसको मुझे धोना है। ये रहा मेरा ब्लैक टी, और टी पीने के बाद आ गए हैं बैंगन फ्राई करने, ब्रेकफास्ट बनाने। तो ये रहा एक बैंगन, बहुत बड़ा सा बैंगन है, 1 kg है इसका वेट। तो इसको पीसेस करेंगे फ्राई के लिए। तो उसके बाद नमक, हल्दी, थोड़ा सा चीनी लगा के इसको मैरिनेट करके रखे, देन इसको फ्राई करके पराठा के साथ खाएंगे। तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। शॉल लेना, पूजा हो गया है, हस्बैंड निकले हैं मार्केट। एक्चुअली मुझे 20 लोगों के लिए रात का खाना बनाना है डिनर, तो इसीलिए उसके लिए कुछ प्रिपरेशन है। तो सिंपल ही डिनर बनाएंगे, तड़का दाल बनाएंगे। तड़का दाल, तड़का दाल मीन्स मिक्सअप जो दाल होता है, मिक्स दाल, सारे दाल को एक साथ मिक्स करके बहुत अच्छे से कड़ी का मसाला देके होता है उसको, बंगाली में हम लोग तड़का दाल बोलते हैं। दाल फ्राई काइंड ऑफ होता है, बट मिक्स दाल वाला होता है। और उसके साथ बनाएंगे चपाती, और घी लगा देंगे चपाती में, और उसके साथ रहेगा स्वीट। तो इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 20 टिफिन बनाना है। तो उसके लिए उसको खाने को पैक करने के लिए कंटेनर चाहिए, टिफिन बॉक्स। तो हस्बैंड मार्केट गए हैं टिफिन बॉक्स लाने, 20 पीस टिफिन बॉक्स लाएंगे। देन कुछ सामान भी लाना है, वेजेस वगैरह वो सब लाएंगे। तो अभी तक आए नहीं है, आने से ही क्या करेंगे, लंच चढ़ाएंगे। एक्चुअली आज लंच में हस्बैंड का डिमांड है कि मटन खाएंगे, तो चावल मेरा बन गया है और बेटा के लिए मैं खिचड़ी बनाई हूँ, और हम लोग के लिए सिर्फ मटन करी बनेगा। तो हस्बैंड आने से ही हम लोग मटन बनाएंगे, हस्बैंड आने से मटन बना देंगे। तो अभी चावल बन रहा है, बेटा का खाना हो गया है, और अभी थोड़ा सा मैं बैठी हूँ, हस्बैंड आने से ये सब प्रिपरेशन करना है। और लंच होने के बाद ही मैं दाल भी बनाऊंगी, तड़का दाल बनाऊंगी, देन आटा लगा के रोटी बनाऊंगी। तो मुझे 2 kg आटा का डो बनाना है, और 2 kg आटा का डो बनाना है। तो 2 kg आटा में जितना रोटी होगा, लगभग मुझे 60-80 पीस रोटी चाहिए, तो रोटी बनाना है। और मैं 1.5 kg
तौर का डाल भिंगाई हूँ, तो भिंगा के रखी हूँ, फुला के रखी हूँ और फुल जाने के बाद मैं इसको सीटी वेसल लगाऊंगी। तो यहाँ पर खाना पीना हो गया है, अब वो खेल रहा है। पपन तुम केक बनाए हो? यस। कोई केक? कोई कुथा है केक? दिखाओ दिखाओ, कहाँ है केक? आजकल बेटा को ना बहुत ज्यादा केक बनाने का मन है, तो केक कर बनाता है बैठ बैठ के। ये जो सारे बॉल्स है इससे मैं वो केक बनाता है। वाओ, विच केक? रेनबो कलर। रेनबो केक? ओ रेनबो केक, वाओ। तो ये रहा उसका केक। मटन फ्राई करने दे दी हूँ, मसाला लगा है, उसके बाद कुकर में दे दूंगी मटन लगाने के लिए। और यहाँ पर हो रहा है एक पोच, हस्बैंड खाएंगे इसके लिए। फिर लाए हैं जो उसमें से अभी और दो चीज़ बाकी है, ये धनिया पत्ता लेके आए क्योंकि उनको खाना है चटनी धनिया पत्ता का। और यहाँ पर है ऑरेंज, यहाँ है जिंजर, पर है अनियन, नहीं सॉरी, यहाँ पर है गुहावा, अमरूद। ये मार्केट जाएंगे और फ्रूट्स नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता, बाप रे। और इसमें है गार्लिक यानी लहसुन, ये मीट मसाला, और ये जो है स्वीट लेके आए हैं, स्वीट का पैकेट, इसमें स्वीट है डिस्ट्रीब्यूट करने है मुझे। और यहाँ पर है अनियन। आज तो रेड मटन करी जस्ट यम्मी बना। मेरा दोपहर का काम खत्म हुआ, अभी जस्ट मैं किचन का काम खत्म करके आई हूँ, क्लीन वगैरह करके आई हूँ, और अभी मुझे शाम के लिए प्रिपरेशन करना है। पर सारा कुछ क्लीन करके रखी हूँ, गैस वगैरह भी धो दी हूँ सारे बर्तन। यहाँ पर मैं कुकर रेडी करके रखी हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे बॉयल करना है ये मिक्स दाल को। तो इसमें डेढ़ किलो मिक्स दाल है, इसका ही बनेगा तड़का। तो पहले इसको बॉईल करना होगा, उसके बाद मसाले से फ्राई होगा। बैठा दिए है मिक्स दाल को बॉईल होने, तो ना दो बार करना पड़ेगा। इसमें अभी एक्चुअली डेढ़ किलो दाल था, तो मैं इसमें अभी 750 बॉईल कर रही हूँ और बाकी 750 बाद में नेक्स्ट टाइम करूँगी। और यहाँ पर ये बड़ा सा हंडी भी निकाल ली हूँ, इसको भी वॉश कर ली हूँ, इसमें ही बनेगा तौर का दाल। और यहाँ पर मैं पतीला में आटा निकाल के रखी हूँ, तो अभी मैं सबसे पहले 1 किलो आटा डो लगाऊंगी, देन 1 किलो डो लगाऊंगी। एक ही साथ 2 किलो नहीं होगा मेरे से, 1-1 किलो करके डो लगाऊंगी। तो पहले 1 किलो डो लगा लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट डो लगाएंगे। तो 2 किलो आटा में 80 पीस आई थिंक हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ 2 किलो आटा का रोटी, आई डोंट नो कैसे करके कर पाऊंगी, बट कोशिश करते हैं। आज देखिए पापा बेटा का बदमाशी, डेली तो मेरे साथ करता है ऐसा, आज पापा के साथ कर रहा है। मैं बेडशीट उठाई हूँ, अभी तक तो बेडशीट बिछाई भी नहीं मिला, मैं ऐसे ही सो गया है पापा बेटा। दोनों का भी मस्ती चल रहा है, पिलो कवर भी नहीं लगाया है। इतना तो हेल्प कर सकता था बेटा, पापा दोनों मिलके पिलो कवर तो पहना देते। डेली मेरे साथ ऐसे करता है, पापा ड्यूटी में रहते हैं, मेरे साथ ऐसे करते हैं। आज पापा का ऑफ है तो आज पापा से हो रहा है सब। आटा लगाना हो गया है, दाल हाफ दाल बॉईल हो गया, 750 दाल बॉईल हो गया, स्टैंडिंग टाइम में दी हूँ। और स्टैंडिंग टाइम होने के बाद मैं अगेन उस फिर 750 दाल बॉईल करूँगी और आटा सेट होगा तब तक, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ उठ के। उसके बाद मसाला प्रिपेयर करके तड़का लगाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। थोड़ा सा रेस्ट हो गया है, बेटा के साथ थोड़ा सा मस्ती हुआ और यहाँ पर दाल भी बॉयल है,
तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, फिर बाकी वाला दाल को मैं चढ़ा देती हूँ। और अभी घर में बज रहा है 6:30, तो मुझे जलाना है दिया। तो चाय पी ली हूँ, हस्बैंड बना के दिए चाय आज, तो बहुत दिन के बाद हस्बैंड का हाथ का चाय पिए। चाय पीना हो गया है, अभी चाय, अभी दिया जलाएंगे, दिया जला के मैं लग जाऊंगी डिनर की प्रिपरेशन में। ये रहा वो आटा 2 kg, इसका रोटी बनाना है। दिया जलाना हो गया है और यहाँ पर मैं दाल भी चढ़ा दी हूँ, और अनियन कट करना है अभी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टमाटो चॉप, चिली, तो ये सारा कुछ। और अभी मैं बता देती हूँ कि 20 लोगों के लिए खाना मैं किस लिए बना रही हूँ। एक्चुअली हर साल मैं हस्बैंड का बर्थडे के पहले या बर्थडे के बाद हम लोगों का एनिवर्सरी ऐसे हम लोग देते हैं, कुछ खाना डोनेट करते हैं जितना हो सके अपने से पॉसिबल। ऐसे तो हम लोगों का खाना मैं भी अकेले ही बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ रोटी एंड सब्जी बना रही हूँ, बहुत सारा कुछ आइटम नहीं बना रही हूँ, रोटी सब्जी और स्वीट देंगे उसके साथ। और इससे ज़्यादा लोगों का खाना के लिए मेरे पास बर्तन नहीं है, इसीलिए 20 लोगों का ही खाना बन सके इतने ही बर्तन है मेरे पास, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन भी चाहिए उतना लोगों का खाना बनाने के लिए। तो इसीलिए सिर्फ तड़का दाल और मिक्स दाल एंड रोटी और उसके साथ स्वीट, यही डोनेट करना है। तो 20 पीपल के लिए दे रहे हैं, तो हम लोग हर साल ऐसे देते हैं स्ट्रीट में जाके, कोई फिक्स्ड NGO के साथ हम लोगों का कनेक्शन नहीं है, ऐसे स्ट्रीट में जो रहते हैं उन लोगों को जाके दे देते हैं। जितना खाना लेके जाते हैं सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और खुशी खुशी सब कोई लेता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब काम दिल से करते हैं, मन से करते हैं, अच्छा लगता है। तो आगे जाके फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा पीपल को डोनेट करने का इच्छा है, अगर भगवान का ब्लेसिंग रहा तो इससे भी ज़्यादा लोगों को दे सकेंगे। जितना हो सके, बहुत कुछ तो कर नहीं सकती, जितना हो सके अपने से उतना कुछ करने का थोड़ा सा ही हो, दिल से करने का बहुत शौक है। तो भगवान अगर ब्लेसिंग करते हैं तो ज़रूर करेंगे। तो चलिए पहले बना लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड गए हैं टिफ़िन लाने, जो सब्जी जो हम लोग देंगे उसके लिए टिफ़िन बॉक्स लाने गए हैं, तो वो लाने से सारा कुछ पैकिंग भी होगा। तो मैं पहले बना लेती हूँ खाना, और बेटा दोपहर को सोया भी नहीं है, उसको भी नींद आ गया, तो उसको मैं दूध रोटी खिला दूँगी, और हम लोग का भी आज रात का डिनर यही रहेगा, तड़का दाल रोटी। गैस की स्थिति, ये रोटियां बन रही है, हाँ यहाँ पर लहसुन मैंने काटा है बारीक बारीक, इसने पहले से सब आगे काट के रखी थी। प्याज, प्याज कहाँ है, नीचे है क्या? अच्छा नीचे, ये मैंने काटा है। और यहाँ है दाल, भाई बहुत भारी है, अभी तड़का लगने वाला है। यह है रोटी मेरा कंप्लीट, हस्बैंड कर रहे हैं पैक। तो अभी मैं बना रही हूँ तड़का दाल, उसके लिए मैं बैठा दी हूँ कढ़ाई, ये जो ये हंडी में बनाएंगे, सारे मसाले कट करके रखे हैं। तो इसमें है दाल, और ये कुकर में भी है दाल, कुकर का हालत क्या हो गया है, गैस का हालत क्या हो गया है, सारा साफ करना है। और यहाँ दूध बॉयल कर रही हूँ बेटे के लिए, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ पहले। सारे पैक किया है ऐसे, मतलब प्लेट से पैक किया, बहुत अच्छे पैकिंग किया है। तो ये सारे, ये 20 पीस पैक किया है, और ये सारे प्लास्टिक में सारे को पैक करके रेडी कर रहे हैं उसमें, ये सारे सब रेडी हो गए, सब पॉइंट हो गए, और हम लोग हेल्दी कर रहा है हमारा बेटा। पापा वो ना क्या किया, वो जो आटा लेके खेलता है वो भी अपने से पैक किया है कच्चा वाला आटा को। डैडी मसाला फ्राई हो रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आई, नमक डाल दी नमक। अब दाल हो गया रेडी,
धनिया पत्ता का गार्निशिंग हो गया एकदम तैयार। अब डब्बे में होगा पैक। फाइनली पैकिंग सारा पैक हो रहा है। उसके बाद मैं काउंटर साफ करूंगी, देख डिस्ट्रीब्यूट करके आके। हस्बैंड ये सब पैक कर रहे हैं, में हम लोग डालेंगे सारे खाने को। अभी बेटा को मैं दूध रोटी खिला देती हूँ, उसको भूख लगी है। हम लोग अभी निकल रहे हैं खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो सिर्फ एक शॉल ओढ़ ली हूँ मैं, तो काफ़ी लेट हो गया, तो फटाफट जल्दी से खाना दे देते हैं पहले। और बेटा को मैं खाना खिला दी हूँ, वो गाड़ी में आई थिंक सो जाएगा। फाइनली हम लोग आ गए हैं, तो ये सारे स्ट्रीट में रहते हैं सब, इन लोगों को ही दे के आ रहे हैं, हस्बैंड मेरा दे दे के आ रहे हैं, मैं बेटा को ले कर बैठी हूँ। हम लोग का खाना डिस्ट्रीब्यूट करना हो गया है और अभी घड़ी पे बज रहा है 10, तो हम लोग 9:30 बजे निकले थे, तो आधा घंटा में हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो और बेटा को तो खाना खिला के लाया है, उसको नींदी भी आ गया है, अभी सोएगा। अभी हम लोग जस्ट घर पे आए हैं, तो अभी मैं फ्रेश अप हो जाती हूँ। तो चलिए ये वाला वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छा सा वीडियो लेके। बाय बाय, टेक केयर।